केंद्र में जिलाधिकारी ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया और बताया कि केंद्रों पर 15 दिनों तक लगातार अभियान शुरू रहेगा। मथुरा में पल्स पोलियो अभियान का जिलाधिकारी ने रिबन काटकर मंडी चौराहे के समीप स्वास्थ्य केंद्र पर उद्घाटन किया। छोटे बच्चों को पिलाई पल्स पोलियो की दवा। सीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि जिले भर में स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मेला लगाया जा रहा है। इसी के तहत 15 दिन तक 13 केंद्रों पर लगातार पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा, जिसका जिलाधिकारी नवनीत चहल ने मंडी चौराहे के समीप पल्स पोलियो अभियान का रिबन काटकर शुभारंभ करते हुए कहा कि जिले में 13 केंद्रों पर लगातार 15 दिन पल्स पोलियो अभियान फिर कोरोना वायरस के बाद शुरू किया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा पल्स पोलियो से ग्रस्त ना रहे। इसी के चलते एक बार फिर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर मथुरा सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता के साथ सभी स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। जिले में स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मेला भी लगाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, युवक मंडल दल आदि के स्वयंसेवकों की सहायता भी ली जाएगी एवं इन मेलों में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड भी बनाए जाएंगे एवं कोविड-19 डेस्क तथा सैनिटाइजेशन और मास्क अनिवार्य होगा। सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता ने भी पल्स पोलियो अभियान से जुड़ी जानकारियां दी। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज की गई है और रविवार के दिन सभी बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको 2 ड्रॉप्स पोलियो की सभी जनपद में लगभग 1300 बूथ पर दी जा रही है। इसके बाद भी जो जो बच्चे छूट जाएंगे आगे 5 दिन तक लगातार हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम्स घर घर जाकर और पोलियो ड्रॉप्स जो भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको देगी। ये अभियान भारत सरकार के द्वारा इसीलिए शुरू किया जा रहा है ताकि हमारे जो देश का पोलियो मुक्त स्टेटस है वो बना रहे और किसी भी बच्चे को पोलियो की खुराक से कोई भी बच्चा वंचित ना रहे और पोलियो की बीमारी से सभी बच्चे हमारे प्रतिरक्षित रहे। हाँ, आज हमारे कोरोना काल के बाद पहली बार हमने पोलियो बूथ शुरू किए हैं। करीब 1 साल तक ये हमारा पल्स पोलियो वाला प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए हमारा रुका हुआ था, तो आज हमें इतने समय के बाद पहली बार पल्स पोलियो हमारा स्टार्ट करते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। अब जो हमारा जो पोलियो मुक्त भारत वाला जो स्टेटस था हम उसी पर कायम रहने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज नेशनल इम्यूनाइजेशन डे है और हमने सारे बूथों पर मथुरा जिले में करीब 1500 हाँ जी कितने बूथ बनाए गए हैं? हाँ, मथुरा जिले में, पूरे मथुरा जिले में 1300 बूथ बनाए गए हैं और आज ही संडे आरोग्य मेला भी है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला हम लोग मना रहे हैं और इन्हीं बूथों पर जो करीब मथुरा जिले में 33 बूथ हैं इन पर ही हमने पोलियो बूथ भी रखे हुए हैं। आज हमारे यहाँ सारे बच्चे बूथ पर पोलियो पीने आएंगे और कल से घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता पोलियो की दवा पिलाएंगे।